जैसा कि हमने बताया कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर कोरोना वायरस का असर देखा जा सकता है। पट्टी टॉप जो कि इतना बड़ा सयाहते मकाम है, उसके ऊपर भी सयाहों के आने पर पाबंदी लगा दी है। और न सिर्फ पट्टी टॉप पर बल्कि कोरोना वायरस के सबब माता वैष्णो देवी के दर्शन पर भी बुध से पाबंदी आयद कर दी गई। कोरोना वायरस के सबब इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शन पर भी बुध से पाबंदी आयद कर दी है। बुध को दोपहर 2 बजे जब मुसाफिर पर्ची काउंटर बंद किया गया, तब तक तकरीबन 8,300 अकीदतमंद अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर माता के दर्शन के लिए रवाना हो चुके थे। वाज़ेह रहे कि दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी अकीदतमंद के माता वैष्णो देवी की जानिब जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। कोरोना वायरस को लेकर हमें स्टेशन से पता चलने लग गया था कि प्रॉपर उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, और यहाँ पे जो थर्मल पर स्कैनिंग की गई है वो भी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है और जगह जगह पर बोर्ड लगाए गए। हालांकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से अकीदतमंदों की सहूलत के लिए माता वैष्णो देवी के पूरे रास्ते को एहतियातन हर 1 घंटे के बाद स्प्रे कर सैनिटाइज किया जा रहा था, लेकिन इंतजामिया ने आइंदा चैत्र नवरात्र और अकीदतमंदों की इजाफी तादाद के मद्देनजर कोरोना वायरस के सबब एहतियातन इकदाम किए हैं। हम उस कहने कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए कि अगर इस किस्म का हमें कोई भी पेशेंट जो मिलता है, इसके जैसे ही हमें जाँच कर रहे हैं और जैसे भी कोई हमें पता चलता है तो हम उसको पेशेंट को जल्दी हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी प्रॉपर जाँच की जाएगी। इसके बाद बता दें कि अकीदतमंदों का अकीदा ही था कि कोरोना से मुतासिर हुए बगैर इन दिनों हर रोज 25 से 30 हजार अकीदतमंद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रोज कटरा पहुंच रहे थे। एक जनवरी 2020 से लेकर मार्च 15 तक 12,06,714 अकीदतमंदों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। दहशत का सबब बन चुके कोरोना वायरस की आहट कहीं आधार शिविर कटरा न पहुंच जाए और अकीदतमंद इस वायरस को लेकर मुतासिर न हो, इसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंतजामिया, जिला इंतजामिया और महकमे सेहत ने पूरी तरह से कमर कस ली थी। इसको लेकर महकमे सेहत ने नगर के रेलवे स्टेशन के पास ही बस अड्डा, बाणगंगा रास्ता, काउंटर नंबर 2, इंटर स्टेट बस स्टैंड, आसपास के इलाकों और स्कूलों में बेदारी के तौर पर बैनर लगाने का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं महकमे सेहत की जानिब से जम्मू से लेकर माता वैष्णो देवी भवन तक जगह जगह अकीदतमंदों को इस वायरस की रोकथाम के लिए बेदार करने का भी सिलसिला जारी रहा। कोरोना वायरस से बेखौफ अकीदतमंद इंतजामिया की इस कोशिश की तारीफ भी कर रहे हैं। सभी बहुत अच्छी है, यहाँ पे कोरोना वायरस से लेके काफ़ी अलर्ट है, गवर्नमेंट भी है, डॉक्टर्स वगैरह भी है, काफ़ी स्क्रीनिंग वगैरह भी हो रही है, हमारी 3 बार स्क्रीनिंग हुई है और हेल्थ फॉर्म वगैरह भी भरा गया, वो भी हमारा 3 बार भरा गया है। वाजे रहे कि जनवरी फरवरी 2019 के 2 महीनों में 7,71,619 अकीदतमंद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जबकि इस साल जनवरी फरवरी 2020 के महीनों में 9,09,252 अकीदतमंदों ने माता के दर्शन किए, जो गुज़िश्ता 5 बरस के मुकाबले में 1,37,000 ज्यादा है, जबकि 15 मार्च तक 2,96,962 अकीदतमंद माता के दर्शन के लिए आ चुके हैं। पिछले साल से यदि कंपेयर किया जाए, जनवरी और फरवरी का यदि डाटा लिया जाए, तो जनवरी और 29 फरवरी तक तो पिछले साल से इस बार की यात्रा जो है 1,37,000 ज़्यादा है, और यदि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो उन 5 साल के रिकॉर्ड में भी इस बार की यात्रा जो है सबसे ज़्यादा है। पिछले 5 साल में कभी भी 8,07,000, 8,20,000 से ऊपर यात्रा क्रॉस नहीं की थी, पर इस बार की जनवरी और टिल 29 फरवरी तक की 9,09,000 की यात्रा हो चुकी है। इससे पहले इंतजामिया ने कोरोना वायरस को जम्मू कश्मीर में वबा करार देकर तमाम सियाहती मकामात, गैर मुल्की सयाहों और बस खिदमात पर भी फौरी असर से पाबंदी आयद कर दी है।
राजू किरनी, जी मीडिया जम्मू। और कोरोना वायरस के सबब जम्मू में मंदिरों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी सिलसिले में शहर के बावे मंदिर में भी मंदिर इंतजामी की जानिब से साफ सफाई का पूरा ख्याल किया जा रहा है। मंदिर में वक्त वक्त पर सफाई हो रही है और स्प्रे भी किया जा रहा है, जिससे मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की हिफाजत की जा सके। मंदिर इंतजामिया के मुताबिक मंदिर में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। फिर भी लोग आ रहे हैं, हमने भी मंदिर की तरफ से पूरा इंतजाम रखा हुआ है सैनिटेशन का। जब हर 15 मिनट के बाद हम स्प्रे मंगा कर रहे हैं, लोगों को हम सैनिटाइजर दे रहे थे, लेकिन अभी मार्केट में नहीं मिल रहा, मास्क नहीं मिल रहे हैं। फिर भी जितना हो रहा है हम अपने आप से कर रहे हैं। बाकी पानी की टैंकियों के पास साबुन हमने रखे हुए हैं लोगों को हाथ धोने के लिए। अपनी तरफ से हम पूरा कर रहे हैं, आगे माता की कृपा है। और कोरोना वायरस के एहतियातन एकदमात में कश्मीर हाईकोर्ट ने कोर्ट की समाअत पर भी पाबंदी आयद कर दी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के इजाफी खतरे के बाद अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में सिर्फ जरूरी मामलात की समाअत होगी। इसके साथ ही अगले एहकाम तक कोर्ट की कैंटीन और बार रूम को भी बंद किया गया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जानिब से जारी इस हुक्म में कहा गया है कि वकील और अर्जी गुजारों को मुस्तकिल तौर पर जम्मू और श्रीनगर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशियल के आसपास अपने मामलों की संजीदगी और उसकी हालत के बारे में उनको जानकारी ईमेल के जरिए देनी होगी। सर्कुलर में कहा गया है कि मामले की संजीदगी को लेकर अगर अदालत मुतमईन हुई तो उसके बाद ही उस मामले की समाअत होगी। इसके साथ ही इस हुक्म में बार एसोसिएशन और वकीलों को कहा गया है कि फिजूल में अर्जी गुजारों को अदालत ना बुलाया जाए। हुक्म में यह भी हिदायत दी गई है कि एक मामले में एक से ज्यादा अफराद को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सर्कुलर में बार एसोसिएशन को यह हिदायत दी गई है कि कोर्ट में लोगों का जमावड़ा ना लगे। वकीलों को यह कहा गया है कि वो अपने चैंबर में भीड़ ना जुटाएं और साथ ही भी अवामी तकरीब को भी मुलतवी कर दिया जाए। हाईकोर्ट की जानिब से जारी इस हुक्म में यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार जनरल जम्मू और श्रीनगर हाईकोर्ट अहाते को सैनिटाइज करवाए और कोर्ट रूम समेत सभी खास मकाम पर सैनिटाइज फराम भी कराया जाए। इसके साथ ही अदालतों में थर्मल स्कैनिंग को भी लाजमी किया जाए। हम लोगों के लिए है क्योंकि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि हर एक जगह से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बाकी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू हेल्थ, उन सब ने कोशिश की है कि जो ज़्यादा जहाँ पे ना पब्लिक प्लेसेस जो हैं, जहाँ पे हर लोगों का बहुत ज़्यादा रश रहता हो, उन जगहों पे ज़्यादा गैदरिंग्स ना हो। उनका ये है जैसे भी क्रिमिनल मैटर्स जो हैं वो ज़्यादातर जैसे ट्रायल में ज़रूरत होते हैं, जितने भी ये एक्यूज जो होते हैं जिनकी ट्रायल चल रही हो, वो ज़्यादातर लोअर कोर्ट्स में ऐसा होता है कि उनको ज़रूरी लाना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन उनमें इस वक्त एग्जेम्पशन उनको शायद दी गई है कोर्ट्स की वजह से, कोर्ट की तरफ से, कि जितने भी यू नो अक्यूज्ड वगैरह जिनकी क्रिमिनल ट्रायल चल रही हो उनको ज़रूरत नहीं है कोर्ट्स में आने की। बट सबसे पहले जो इनिशिएटिव्स ऑल अक्रॉस कंट्री, ऑल अक्रॉस ग्लोब, वो पूरे वर्ल्ड में लिए जा रहे हैं उस कोरोना वायरस के चक्कर में, तो दैट इज़ द बेसिक रीजन फॉर नॉट अलाउइंग मच ऑफ द पीपल टू कम टू द कोर्ट। क्योंकि बेसिक डिफिकल्टी ये है यहाँ पे, नाउ वी फाइंड हाईकोर्ट के सामने आप खड़े हैं, तो हाईकोर्ट में राउंड अबाउट कम से कम भी आप कहेंगे 2 से 3 हज़ार लोग डेली यहाँ पे आते हैं। तो अब इसके चलते जिस तरह से प्रोटोकॉल्स ऑल अक्रॉस कंट्री, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड फॉलो हो रहे हैं, तो वी आर एट अ स्टेज टू। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि हाईकोर्ट ने भी उसी का संज्ञान लेते हुए पिछले कल यहाँ पे एडवाइजरी इशू करी है कि हाईकोर्ट में लिटिगेंट्स का आना टोटली बंद कर दिया है। सर, जिस तरह से हमारे भारत में ये जो कोरोना वायरस को लेकर एक महामारी फैल रही है और उसी तरह से एक इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के ऊपर हमारी चीफ जस्टिस जो गीता मित्तल हैं जम्मू कश्मीर की, उसमें उन्होंने एक फैसला लिया था और उसमें ही गाइडलाइंस के ऊपर एक डायरेक्शन भी दी गई है हमारी बार को भी, और जो एक काम है, वर्क है जो हमारी बार ने सस्पेंड किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर कुछ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए गए हैं उसमें लिटिगेंट्स को कहा गया है कि आप कोर्ट में नहीं आइए, उनके खिलाफ कोई इफेक्टिव कार्रवाई नहीं होगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाए हुए चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हिदायत पर अमल करते हुए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि DSLA भद्रवाह के सदर अशोक कुमार शावन ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें लोगों को कोर्ट में गैर जरूरी दाखिले पर पाबंदी की हिदायत दी गई है। जिला डोडा की तमाम अदालती मुलाजमीन अफसरान वकला को गैर जरूरी दाखिले से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। साथ ही अदालतों में सैनिटाइजर और दीगर जरूरी अशिया मुहैया कराने की हिदायत दी गई है।
वहाँ हमने ऐसा सोचा है कि वहाँ डॉक्टर साहब को कह के एक एक डॉक्टर को यहाँ जो मामूर करें हमारे साथ, वो यहाँ एग्जिट पॉइंट पर रहेंगे, और साथ में मैंने एसपी साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी कोई दो कॉप्स पुलिस के कॉप्स हमें भेजें जो उनके साथ जो है एक कलेबोरेशन में काम करें और उनकी मदद करें वहाँ। और तालीमी इदारों के बाद जिला इंतजामिया ने जिले भर में अवामी पार्कों और बाग़ों को बंद करने का ऐलान किया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के खुलने पर भी तजबुज बरकरार है। श्रीनगर में कोरोना वायरस के खतरे के सबब जिला इंतजामिया की जानिब से सभी पार्क और बाग बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। जिला डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अगले हुक्म तक ये सभी मकाम बंद रहेंगे। वहीं मार्च के आखिरी हफ्ते में खुलने वाले एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के खुलने पर भी नाउम्मीदी के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में कोरोना वायरस से मची हाहाकार से इंतजामिया की जानिब से कई इकदामात एहतियातन किए जा रहे हैं। सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिम, मॉल वगैरह ऐसे कई मकामात को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं जहां भीड़ जमा होती है। वहीं अब श्रीनगर के जिला इंतजामिया की जानिब से जिले के सभी पार्क और बागों को बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। श्रीनगर के जिला डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि श्रीनगर के सभी पार्क और बाग अगले हुक्म तक बंद रहेंगे। एहतियाती हल को नाफिज करने में लोगों का तआवुन मांगा गया है। वहीं फ्लोरिकल्चर महकमे के अफसर ने बताया कि गुज़िश्ता बरस 2.58 लाख लोग ट्यूलिप देखने के लिए पहुंचे थे, जिनमें मकामी और गैर मकामी लोग भी शामिल थे, और इस बार उम्मीद थी कि ट्यूलिप गार्डन आने वालों की तादाद में इजाफा होगा, लेकिन अभी फिलहाल सभी पार्क बंद करने का हुक्म उन्हें मिला है। जी सर, मतलब हमने प्रिपरेशंस भी पहले से, मतलब थ्रू आउट द ईयर हम प्रिपरेशंस करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस यही रहती है कि जो लास्ट ईयर टूरिस्ट फ्लो था उससे ज़्यादा आए इस साल। इकोनॉमी का हर कोई सेक्टर, चाहे टूरिज्म ही नहीं, हर कोई हैंडीक्राफ्ट, ट्रैवलिंग एजेंसी, हॉस्पिटैलिटी एजेंसी, सारा हिट हो गया, टूरिज्म भी हिट हो गया इससे। ये ऊपर वाले का ही करना है, तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें महफूज रखे और इस जो ये वबा फैली हुई है इससे छुटकारा मिले। कश्मीर फ्लोरिकल्चर महकमे के अफसर शायक रसूल ने कहा कि हमने सारी तैयारियां की थी और उम्मीद थी कि गुज़िश्ता बरस से ज्यादा लोग आएंगे। शिक्षा संस्थानों, जिम्स, मॉल्स, जहां पर भी भीड़ एकत्रित हो सकती थी, उनको बंद करने के बाद अब प्रशासन ने कश्मीर के खूबसूरत बागों और पार्कों को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के बाद सबसे बड़ी मार जो है वो पड़ती दिख रही है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप बाग पर, जो 26 तारीख को खुलने वाला था और उम्मीद थी कि 5 से 6 लाख पर्यटक इस बार इस बाग की सैर करेंगे, जहां करीबन 13 लाख के करीब ट्यूलिप फ्लावर जो है वो लगाए गए थे और वो इस दौरान यहां पे खिलते, और 15 तक चलने वाले इस ट्यूलिप बाग में देश विदेश के कई पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना वायरस ने पैर पसारे हैं, उससे लगता है कि भीड़ एकत्रित होने वाली हर जगह पर जो पाबंदियां लग रही है, उसकी मार जो है कहीं इस ट्यूलिप बाग पर भी न पड़े, और अगर ऐसा होता है तो निसंदेह ही कश्मीर के टूरिज्म को, जिसने प्रीपोन किया था, बूस्ट किया था, वो ख़त्म हो जाएगा और एक बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ के पर्यटन उद्योग को लगेगा। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। वाजे हो 370 हटने के बाद से वादी में सियाहत को पहुंचे नुकसानात की भरपाई इस ट्यूलिप गार्डन के खुलने पर मुनहसिर थी, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि 4 से 5 लाख सियाह इस बार इस बाग को देखने के लिए आएंगे। इसके लिए महकमे सियाहत ने कई कोशिशें भी की थी, पर फिलहाल अब इस ट्यूलिप गार्डन के खुलने पर नाउम्मीदी के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच इंतजामिया ने श्रीनगर के सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैंटीन, स्ट्रीट फूड पर पाबंदी आयद कर दी है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वादी में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। महकमा सेहत के कश्मीर ने रेलवे स्टेशन पर
मुनासिब सहूलियात फराहम की जा रही हैं और वादी में रेलवे स्टेशनों पर कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखने के लिए मुसाफिरों के लिए स्क्रीनिंग डेस्क भी कायम की गई है। महकमा सेहत से वाबस्ता डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने कहा है कि तमाम मुसाफिरों, चाहे वो वादी के हों या फिर बाहर से ताल्लुक़ रखते हों, सभी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल शुरू हो चुका है और मुसाफिरों को स्क्रीनिंग के बाद ही घर जाने की इजाज़त होगी। ब्लॉक यारीपुरा से हूँ, हम सुबह से यहाँ आए, यहाँ पे जो भी यात्री आता है, चाहे बाहर से आए चाहे यहाँ से आए, हम उनको स्क्रीनिंग करके फिर बाहर छोड़ते हैं। पूरा स्क्रीनिंग करके तब तक हम किसी को नहीं छोड़ते हैं बाहर। कहाँ पे? मतलब यहाँ से बाहर, मतलब यहाँ एक जो बनहाल से कोई आएगा, श्रीनगर से कोई आएगा, तो उनकी यहाँ पर स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद उनको बाहर जाने देते हैं। और खबरों में लगातार आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से कोरोना से वायरस ने लोगों की ज़िंदगी को दरहम बरहम किया है, उसका साथ ज़िंदगी से भी उन्हें खेलना शुरू कर दिया। लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है, खासकर मजदूर लोग ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकान, होटल, मार्केट वगैरह बंद होने से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। योमिया मजदूरी करने वाले लोगों पर इसका ज़्यादा असर है। ट्रांसपोर्ट यार्ड में हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं, यहाँ पर छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ियाँ तक ठीक की जाती हैं। इन लोगों ने अपनी परेशानियां और शिकायतें भी बयां की, साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते सरकार की तरफ जो कदम उठाए गए हैं वो हमारी भलाई के लिए हैं, पर हम लोग क्या करें। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि खाने के ढाबे, होटल या फिर खाने की रेहड़ियों को बंद किया गया है, उसे वक्त पर खोलने दिया जाए ताकि लोगों को मदद मिल सके। कुछ टाइम के लिए ढाबा खोला जाए, एक दो घंटे के लिए, इनको परमिशन दी जाइए। ये कहते हैं कि हमको परमिशन नहीं, हमको अलाउ किया गया कि बिल्कुल बंद कर दो ढाबे। मैं ढाबे जब बंद कर देंगे, हमारे जो वर्कर वो कहाँ से खाना खाएंगे? तो हमारा काम तो वैसे ही ठप, गवर्नमेंट ने कर दिया हुआ है कि यहाँ पे एक तो गाड़ी नहीं आने देते, गाड़ियाँ बंद करती हैं, 15 साल पुरानी गाड़ी बंद कर दी है इन्होंने, वो नहीं चलेगी। तो देखो वर्कर तो उतने ही रहेंगे, वर्कर थोड़ी कम हो जाएंगे, जब मैकेनिक कम हो जाएंगे, जहाँ कोई लेबर का कम हो जाएगा, बाहर से बिहार से आए हुए हैं वो भी तो यहाँ पे लेबर का काम करते हैं, उनको भी कुछ सुबह नाश्ता करना, दोपहर को रोटी खानी है, शाम को डिनर करना, वो कहाँ से करेंगे। और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुंछ जिला इंतजामिया लगातार पाबंदियां लगाते हुए उनको सख्ती से नाफिज कर रहा है। इंतजामिया ने जिले में होटल, ढाबों, रेस्टोरेंटों और रेहड़ी को बंद करवा दिया है। पहले कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए दफा 144 नाफिज की गई थी और तकरीबात पर भी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग पर भी, एहतजाजी धरने वगैरह पर भी रोक लगाई गई थी। और आज से जिला इंतजामिया ने होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट, लॉज और टी स्टॉलों को, सड़क से लगने वाले फूड कोर्ट को और रेहड़ियों को 31 मार्च तक लगाने पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू कश्मीर दिव्यांग फलाह बहबूद तंजीम के डिप्यूटी चीफ विनोद कुमार शर्मा ने राजौरी के सरहद से मुतसिल नौशेरा के कई इलाकों में कोरोना वायरस के तई लोगों को बेदार किया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी विनोद कुमार शर्मा का जज्बा और जुनून देखने लायक था। स्कूटी पर सवार होकर लोगों को कोरोना वायरस के तई बेदार कर रहे थे और पंफलेट तकसीम करते दिखाई दिए। अडोडा जिला इंतजामिया की जानिब से भी कोरोना से निपटने और उससे बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सयाहों के लिए जिला इंतजामिया ने हैंड वॉशिंग फैसिलिटी मुहैया कराई है। साथ ही इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि हिदायत के मुताबिक वक्फे पर हाथ धोते रहें ताकि लोगों को कोरोना वायरस का असर ना हो। जिला इंतजामिया ने इस सिलसिले में 10 वाटर टैंक, सोप और सैनिटाइजर वगैरह मुख्तलिफ मकामात पर लगाए हैं। और कोरोना वायरस के पेश नज़र गांधरबल जिला इंतजामिया मुतहर्रिक है और लोगों को इससे बचाने के मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जिला इंतजामिया गांधरबल ने दफा 144 नाफिज कर दिया है ताकि लोग जमा ना हों और कोरोना वायरस की वबा जिले में ना फैले। साथ ही जिला इंतजामिया ने आवामी मकामात, पार्क, निजी और सरकारी इदारे सबको बंद कर दिया है ताकि लोग वायरस से महफूज रहें। और साथ ही अस्पतालों में मुनासिब इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी मुश्तबा मामले सामने आए तो उसे फौरी तौर पर उसको निपटाया जा सके। और म्यूनसिपल कमेटी बनिहाल की जानिब से कमेटी के चेयरमैन फारूक अहमद की सदारत में एक सैनिटेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया। ड्राइव के दौरान मेन बाजार के सैनिटाइजेशन के अलावा हाईवे और बाकी सभी आवामी मकामात पर लोगों को भी अपने सेहत देखभाल करने की सलाह दी गई है और कोरोना वायरस के असर से दूर रहने के लिए हमेशा अपने आप को साफ रखने के लिए भी कहा गया है। म्यूनसिपैलिटी कमेटी बनिहाल के चेयरमैन ने आवाम और दुकानदारों को भीड़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखने की अपील की है।
اور لداخ میں کورونا وائرس متاثرین کی تعداد 8 پہنچی ہے۔ مرکز کی زیر اقتدار ریاست لداخ میں بدھ کو افسران نے کہا کہ کورونا وائرس کے لیے 2 اور مریضوں کا ٹیسٹ کیا گیا، کل پازیٹو لوگوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ لداخ کے ہیلتھ سیکرٹری، کمشنر اور ترجمان ریگزین سیمپل نے کہا ہے کہ 2 اور مریض کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں اور لداخ میں کل تعداد 8 ہو گئی ہے۔ ضلع اسپتال کارگل کے پیرا میڈیکل اسٹاف نے لداخ میں کووڈ 19 کے وبا کے بیچ بنیادی سہولیات کی کمی کے سبب انتظامی کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے ماسک، گلوز اور سینیٹائزر جیسی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کی مانگ کی۔ مظاہرین نے مبینہ طور پر چیف میڈیکل آفیسر، ضلع انتظامیہ اور حکومت پر بنیادی ضروریات فراہم کرنے میں ناکام رہنے کی بات کہی ہے۔ بعد میں ضلع انتظامیہ نے جلد سے جلد ضلع اسپتال کارگل میں ملازمین کو بنیادی سہولت دینے کا یقین دلایا۔ اسکمس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اہنگر اور ان کی ٹیم میڈیا سے خطاب کیا انہوں نے، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا اور ان کو کورونا جیسی مہلک وبا سے بچانے کے لیے ہی ان کا ایک ترکیب کرنا ہے۔ ٹیکل اینی ایمرجنسی سچویشن ویئر آور ڈاکٹرز آر راؤنڈ دی کلاک 24/7 ادروائز آلسو، بٹ اے سپریٹ لائن ہیز بین ڈیڈیکیٹڈ فار کووڈ 19 انفیکشن انفارمیشن، سو کالڈ ورلڈ وار اگینسٹ کورونا وائرس، وی شیل بی وکٹوریس پرووائڈیڈ وی کوآرڈینیٹ، وی کوآپریٹ، وی ہیلپ ایچ ادر اینڈ وی ابزرو دا پرنسپلز اینڈ دا ایڈوائزریز ایشوڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم۔ پونچھ کے محکمہ صحت کتنے سنجیدگی سے کام کر رہا ہے، اس کی بانگی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ مرکزی حکومت کی اسکیمز وادی میں کس طرح سے دم توڑ رہی ہیں۔ مرکزی حکومت دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کو بہتر صحتی خدمات فراہم کرنے کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے یا نہیں، اس کی بانگی آج ہم آپ کو دکھائیں گے۔ دور دراز کے علاقوں میں وقت بے وقت شدید بیمار ہونے اور کسی بھی حادثے کا شکار ہونے والوں کو ضلع اسپتال یا قومی میڈیکل کالج اسپتال تک پہنچانے کے لیے ایمبولینس خدمات بھی مہیا کرنے کے بڑے بڑے دعوے مرکزی حکومت کی جانب سے کیے جاتے ہیں، لیکن محکمہ صحت کی لاپرواہی کے سبب صحت اور ایمبولینس خدمات کی زمینی حقیقت کیا ہے، اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے پونچھ ضلع کی منڈی تحصیل۔ یہاں کے دور دراز کے گاؤں لورن میں واقع پی ایچ سی کی ایمبولینس گزشتہ 4 مہینے سے کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو ایمرجنسی میں پرائیویٹ گاڑیوں سے مریضوں کو ضلع اسپتال پہنچانا پڑتا ہے۔ بتا دیں کہ پی ایچ سی لورن کی ایمبولینس کے ضروری کاغذات گزشتہ کئی مہینے سے ختم ہو گئے ہیں، نہ تو آج تک ان کاغذات کو دوبارہ بنوایا گیا اور نہ ہی اس کے لیے محکمے کی جانب سے کسی طرح کا کوئی قدم اٹھایا گیا۔ ایمبولینس کا ڈرائیور بھی ایمبولینس کو پی ایچ سی سے نہ نکالنے پر مجبور ہے، کیونکہ نئے ٹریفک ضوابط کے بعد سختی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایمبولینس میں مریضوں کو لے کر جانے پر اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، اس بارے میں جب پونچھ کے سی ایم او غلام احمد میر سے بات کی گئی تو ان کا بھی وہی کہنا ہے جو ہر افسر کہتا ہے کہ بی ایم او منڈی سے بات ہوئی ہے، ایمبولینس کے باقی سبھی کاغذ ہیں لیکن انشورنس ختم ہو گیا ہے۔ میں نے بی ایم او سے کال کر کے ابھی دریافت کیا ہے، اس کے کاغذ سارے ہیں، اس کا انشورنس جو ہے اس کے لیے میں نے کل پیسہ ریلیز کیا ہے۔ سبھی بی ایم او کو اگر کسی کا کہیں انشورنس جو ہے تو وہ انشورنس اپنا کروا لیں، تو مجھے بی ایم او نے کہا کہ میں نے آج ہی پروسیس کرتی ہے، انشورنس ہو جائے گا اس کا۔ میں ممبر پنچایت یہاں کا ہوں، پریشانی یہ ہے کہ ہم نے کئی بار انٹرویو بھی دیا، ریزولیشنیں بھی ڈالی ہر کام کی، لیکن کام ہمارا کوئی ہو نہیں رہا ہے۔ بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ برفانی علاقہ ہے، بیمار تو ہوتے ہی ہیں، بیمار جب آتے ہیں تو ایمبولینس کی بہت پریشانی ہے، 4 مہینے سے کھڑی ہے، اب اس کو بھیجتے بھی ہیں تو زبردستی بھیجتے ہیں کہیں اوپر نیچے، لیکن اس کے اب کاغذ نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو جائے تو کل کون ذمہ دار ہوگا۔ 4 مہینے سے پی ایس سی کی ایمبولینس کے بغیر کاغذات کے کھڑے ہونے سے لوگوں میں کافی غصہ ہے۔ ویسے تو ایسے کئی وعدے کیے جاتے ہیں جو صرف کاغذوں تک محدود رہ جاتے ہیں، لیکن ایمبولینس کے ساتھ اس طرح کی لاپرواہی مرکزی حکومت کی آیوشمان جیسے اسکیموں میں کیے گئے کھوکھلے دعووں کی پول کھولتی ہے۔ رمیش بالی، زی میڈیا، جموں۔